पार्ट 3 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जीहू एक रेस्टोरेंट के बाहर खड़ा अपने हेयर सेट कर रहा होता है। तभी इतने में ऊपर से सौरम भी यहाँ पर आ जाती है। असल में ये दोनों इसी रेस्टोरेंट पर ही खाना खाने आए थे और आज की ये ट्रीट स्पेशल जीहू की तरफ से थी। फिर खाना खाते हुए जीहू को अचानक सौरम के साथ हुई किस का सीन याद आ जाता है और वो सोचने लगते हैं कि क्या सौरम को भी वो इंसिडेंट याद होगा या नहीं। इसलिए इस से कंफ्यूज होकर वो उससे पूछने लगते हैं कि ट्रिप वाले दिन तुमने ड्रंक होकर जो उल्टी सीधी हरकतें की थी वो तुम्हें याद है या नहीं। तो सोनम उसे कोल्ड सा रिएक्शन देकर कहती है कि मैं उस रात इतनी ड्रंक थी कि मुझे कुछ भी याद नहीं है कि मैंने क्या किया था। इस बात से जीहू काफी चिढ़ जाता है कि इसे तो हमारे दरमियान होने वाली फर्स्ट किस तक याद नहीं है और वो जो अभी थोड़ी देर पहले इसकी प्लेट में अपना खाना रख कर बैठा था वो फौरन से उठा लेता है। तो इस बात पर सौरम उससे पूछती है कि ये क्या बात हुई, अभी तो तुमने मुझे खाना खाने के लिए दिया था। तो जीहू चिढ़ कर उसे कहता है कि नहीं, मैंने तो जस्ट तुम्हारी प्लेट में खाना रखा था, तुम्हें दिया नहीं था। उसके इस बिहेवियर पर सौरम उसे अजीब सी नजरों से देखने लगती है और असल में उसे उस दिन होने वाली किस याद थी। बस ऐसे ही उसने जीहू से झूठ बोल दिया था कि मुझे कुछ भी याद नहीं है। फिर नेक्स्ट डे हम क्लास में कुछ स्टूडेंट्स को देखते हैं जो इंटरनेट कैफे वाली लड़की की वीडियो बनाकर देख रहे होते हैं। उन्हें ये वीडियो देखते जंग हान भी देख लेता है, एक बदमाश लड़का। तो पूरी क्लास को उस लड़की की वीडियो देखने के लिए कहता है बट कोई भी उसकी बात पर तवज्जो नहीं देता। तभी जंग हान उसे ये वीडियो डिलीट करने के लिए कहता है। तो वो लड़का आगे से उसे कहता है कि मैं तो ये हरगिज डिलीट नहीं करने वाला हूँ, तुमने जो करना है कर लो। और साथ में वो इस कैफे वाली लड़की को भी बुरा भला कहने लग जाता है। तो इस बात से जंग हान को उस पर बहुत गुस्सा आता है और वो वहीं पर ही उस लड़के की अच्छे से पिटाई लगा देता है और उसे वार्न करता है कि नेक्स्ट टाइम अगर उसने उस लड़के की कोई भी वीडियो बनाई तो वो उसे नहीं छोड़ेगा। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो लड़की जंग हान की मॉम है और वो अपनी मॉम के खिलाफ कोई भी बात नहीं सुन सकता था। फिर जीहू आकर उसे हौसला देता है और क्लास से बाहर लेकर जाने लगता है। सौरम तो उसकी मॉम वाली बात पर काफी शॉक्ड बैठी होती है क्योंकि वो जिस लड़की को उसकी गर्लफ्रेंड समझ रही थी वो तो उसकी मॉम थी। फिर जंगहान जब बाहर बैठा होता है तब सौरम उसके पास आती है और उस लड़के को मारने से जो उसके हाथ पर चोट लग गई थी तो वो उसकी चोट पर पट्टी लगाने लगती है। उसे ऐसा करता देख कर जंगहान सोचता है कि ये कितनी स्वीट लड़की है, सबका कितना ख्याल रखती है। फिर सौरम अभी जंगहान के बारे में सोचकर जा ही रही होती है कि वो फिर से जीहू को टीचर के साथ खड़ा देखती है। तब जीहू भी उसे वहां पर देख लेता है। सौरम तो वहां से भागने लगती है तो जीहू उसके पीछे जाकर उसे रोकता है। फिर यहां पर सौरम उससे पूछने लगती है कि तुम्हारा और टीचर का क्या रिलेशन है जो तुम हर दफा एक साथ ही पाए जाते हो। तो जीहू उसे कहते हैं कि वो मेरी बड़ी बहन है, शायद तुमने मेरे और उसके रिलेशन को रॉन्ग समझ लिया है। ये सुनकर तो सौरम काफी सरप्राइज होती है, वो टीचर को उसकी गर्लफ्रेंड समझ रही थी और वो इसकी सिस्टर थी। तो वो फिर इस बात के लिए जीहू से सॉरी बोलती है। अब इन दोनों को जू इन इकट्ठे देख लेता है और बहुत जेलिस फील करते हैं क्योंकि उसका सौरम पर सीक्रेट क्रश था। फिर रात को जंगहान अपनी मॉम की हेल्प करने मार्केट जाता है तो यहाँ पर मॉम उसके हाथ पर चोट का निशान देखकर उससे पूछने लगती है कि ये चोट तुम्हें कैसे आई। तो वो आगे से कोई बहाना बना देता है कि ये तो बस एक्सीडेंटली मुझे चोट लग गई। तो मॉम भी फिर उसकी बात पर यकीन कर लेती है और वो दोनों फिर हंसी खुशी घर जाने लगते हैं। नेक्स्ट डे सौरम और बोना अभी स्कूल जा ही रही होती है कि तभी जीहू पीछे से आकर सौरम का बैग उतार लेता है और उसे कहता है कि अरे यार इतना भारी बैग तुमने अपने शोल्डर पर कैसे लटकाया हुआ है। और वो उसका ये बैग ये कहकर लेकर जाने लगते हैं कि मैं ये क्लास में रख लूंगा। बोना सौरम से पूछती है कि इसे क्या हो गया है, ये तुम्हारी इतनी केयर क्यों कर रहा है। तो सौरम उसे कहती है कि पता नहीं यार। फिर बाद में जीहू जू इन से पूछते हैं कि क्या तुम्हारा स्कूल में किसी लड़की पर क्रश है। तो जू इन उसे अपने क्रश का बताने से पहले उसके क्रश का पूछता है। तो जीहू उसे सौरम के बारे में
बताता है कि मेरा उस पर क्रश है। अब जू इन का भी तो उसी पर ही क्रश था, तो इसलिए वो फिर अपने क्रश का उसे नहीं बताता। सोडम जब क्लास में अपने बैग को पड़े देखती है तो स्माइल करने लगती है कि जीहू भी ना कैसी अजीब अजीब हरकतें कर रहा है। फिर सोडम को अपने बैग में से एक गिफ्ट पड़ा मिलता है, तो वो ये देखकर हैरान होती है कि ये किसने रख दिया। जब उसकी नज़र क्लास में बैठे जंगहान पर पड़ती है तो वो सोचने लगती है कि कहीं इसी ने ही तो मेरे बैग में ही गिफ्ट नहीं रखा। इससे पहले कि वो इस बारे में उससे पूछती, इतने में ऊपर से बोना आ जाती है और वो उसके पास मौजूद गिफ्ट को देखकर उससे पूछती है कि ये तुम्हें किसने दिया। तो सोडम उसे कहती है कि पता नहीं। फिर यहाँ पर वो बोना से हेल्प मांगती है कि वो इन तीनों गाइस में से उस लड़के को ढूंढने में मेरी मदद करे जिसने मुझसे अपना लव कॉन्फेस किया था। फिर वो उसे कहती है कि तुम बारी बारी सब बॉयज से बात कर देखो, शायद कोई तो मान जाएगा कि उसी में से किसी ने ही लव कॉन्फेस किया था। फिर वो एक गेम खेलकर उस लड़के का नाम निकालती है जिसके साथ सबसे पहले उसने बात करनी थी, और पहले नंबर पर जू इन का नाम निकलता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सोडम जू इन के साथ एक रेस्टोरेंट पर आई बैठी होती है, और यहाँ पर वो जू इन से कहती है कि उस दिन तुमने मुझे ट्रायर ढूंढ के दिया था ना, तो इसलिए तुम्हें थैंक्स कहने के लिए मैंने तुम्हें खाना खिलाने का सोचा है। यहाँ पर सोडम नोट करती है कि जू इन एक खामोश किस्म का बंदा है। खैर, उसके साथ होते हुए भी पता नहीं क्यों सोडम जीहू के बारे में ही सोचने लगती है, और उसको सोचकर वो स्माइल भी करने लगती है। फिर यहाँ से जाते हुए वो जू इन से कन्फेशन के बारे में बात करने की कोशिश करने ही लगती है कि वो उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ एक जगह पर लेकर जाने लगता है, और उस जगह पर जाकर वो एक गेम खेलता है, और उस गेम को जीतने पर वो एक टॉय जीतता है, और वो इस टॉय को एज अ गिफ्ट सोडम को दे देता है। फिर वो दोनों इस प्लेस से जा ही रहे होते हैं कि तभी एक पर्सन जो कि वीडियो बना रहा होता है उनके पास आकर उनकी वीडियो बनाने लगता है, और साथ में वो इन दोनों को एक कपल शो करता है। जू इन उसे वीडियो बनाने से मना करता है, लेकिन वो साहब तो बिल्कुल भी नहीं रुकते, तो जू इन गुस्से में सोडम को पकड़ता हुआ वहाँ से लेकर जाने लगता है। यहाँ पर सोडम जब उसे यूं खुद को पकड़ते हुए देखती है तो इस वक्त उसके ख्यालों में सिर्फ जीहू ही आ रहा होता है, बट रियल में तो जू इन ही उसके साथ होता है। फिर रात को जीहू जू इन को ढूंढता हुआ उसी प्लेस पर आया होता है जहाँ पर जू इन और सोडम बैठे बातें कर रहे होते हैं। सोडम फिर से हिम्मत जुटाकर उससे लव कन्फेशन के बारे में पूछने ही लगती है कि जू इन उसे कहता है कि तुम्हारे सर पर कुछ है, और जब वो उसके सर से वो चीज़ हटाने लगता है तो इतने में जीहू आकर उसका हाथ पकड़ लेता है। सोडम तो उसे वहाँ देखकर काफ़ी सरप्राइज होती है कि ये कहाँ से यहाँ टपक पड़ा है। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि जंगहान की फ्रेंड उसी पर्सन से बात कर रही होती है जिसने जू इन की और सोडम की वीडियो बनाई थी, तो जंगहान उनकी बातें सुन लेता है और फिर वो भी वो वाली वीडियो देखने लगते हैं। तो उस वक्त जू इन और सोडम को इकट्ठे देखकर वो काफ़ी जेलिस फील करते हैं, और इसी के साथ ही पार्ट 3 ख़त्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।